हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन्स दे आर स्प्रेड विथ। पूछा गया कि शुगर केन्स में शुगर का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इनमें से किसको स्प्रे किया जाता है उन पर, इंडोल एसिडिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर जिब्रेलिन्स यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, जिब्रेलिन्स यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर जिब्रेलिन यूज़ ना करें तो यहाँ पे जो है शुगर केन जो है वो ऐसा है, यहाँ पे शुगर केन प्लांट जो है इसका इतना लेंथ है यहाँ पे इस टाइम का। लेकिन अगर यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड यूज़ किया जाए, ऐसे में अगर हम देखें स्टेम जो है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, स्टेम इलोंगेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर हम देखें कि स्टेम ये वाला जो है इसमें जितना शुगर कंटेंट होगा और ये जो बढ़ गया यहाँ पे, तो इसमें तो शुगर कंटेंट इससे ज़्यादा ही होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जिब्रेलिक एसिड यूज़ किया जाता है किसके लिए, यहाँ पे जो स्टेम का इलोंगेशन हुआ, और स्टेम इलोंगेशन होगा तो शुगर कंटेंट भी इंक्रीज होगा। स्टेम इलोंगेशन अगर होगा तो शुगर कंटेंट भी इंक्रीज होगा, शुगर कंटेंट। तो अगर हम देखें जिब्रेलिक एसिड जो है अगर यूज़ करें यहाँ पे, ये शुगर वाले में, शुगर क्रॉप में अगर हम यूज़ करें, तो इनका यील्ड जो है वो एज मच एज 20 टन पर एकड़ तक क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे एब्सिसिक, ये जो इंडोल एसिडिक एसिड तो नहीं है, ये ऑक्सिन है, इसका यूज़ तो नहीं हो रहा। देन साइटोकाइनिन भी नहीं, इथाइलिन भी नहीं। करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन, दैट इज जिब्रेलिन, ये यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।